आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन गार्डन, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR 7070। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑप्टिकल जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें आवाज़ रुक रुक कर आती है, आप सुन सकते हैं। जैसा कि आप सुन सकते हैं इसमें आवाज़ रुक रुक कर आती है, और इसके लिए हमने जो है यहाँ के दो रेजिस्टेंस को चेंज किया है। जैसा कि आप देख सकते हो ये दो रेजिस्टेंस चेंज किया है और यहाँ का एक चेंज किया है, बाकी का भी चेक करते हैं कि ये आवाज़ रुक रुक कर आती है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल में। ये वही पीस है जिसको हमने कुछ समय पहले बना कर दिया था, वापस आया है सिर्फ ऑप्टिकल के लिए, ऑप्टिकल में आवाज़ सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। आपण आपलं सरळ चालत जायचं म्हणजे हिरकोल आणि त्याच्या बिमोर रस जातोय की समज घेऊन देत पण आजी फॉल्ट मैंने एकदम सही निकाला था। ये रेजिस्टेंस जो है आप देख रहे हो R215, ये प्रॉपर सोल्डर नहीं हुआ था, इसको मैंने निकाल करके वापस से सोल्डर किया है, जिसकी वजह से रुक रुक कर साउंड जो आती थी वो सॉल्व हो चुकी है, आप सुन सकते हो। नागराजा, अरे तू माझा भाऊ आहेस, या मुलखाचा राजा आहेस, मी तुझ्या बहिणीवानी, ही माझी लेकरं बाळ तुझे भाच आहेस, आम्हाला वाट दे बाबा। पीस को पूरी तरीके से उलट कर दिया है और नीचे से हमने टेप मोड पे शील्ड वायर का इस्तेमाल किया है। शील्ड वायर जो है नॉइस को कंट्रोल, ये हमने इसमें ब्लूटूथ फिट किया है और इसको टेप मोड पे रखा है। जो मैंने बैक पोर्शन पूरा खोला था वो टेप मोड पे सोल्डर करने के लिए। ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप शील्ड वायर का इस्तेमाल करें, साउंड क्वालिटी बेटर होती है इससे। अभी इसको फिट करेंगे। अगर आप डायग्राम के हिसाब से समझना चाहें तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये है अपना ऑप्टिकल 1, ऑप्टिकल 2, और हमने जो रेजिस्टेंस चेंज किया है इसमें, जिसके बाद अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो है 213 33 ओम्स, 215 33 ओम्स। ये रेजिस्टेंस ख़राब था इसमें, इसको चेंज करने के बाद जो है इसकी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, जो ऑप्टिकल में आवाज़ रुक रुक कर आती है। यहाँ पर 1.6 1.6 आना चाहिए। तीसरा भी एक रेजिस्टेंस हमने चेंज किया है R208 2.2 के, ये भी थोड़ा सा कुछ अलग दिखा रहा था जिस कारणवश हमने चेंज कर दिया उसको। अभी जो है एज प्रेजेंट वर्किंग गुड है, कोई दिक्कत नहीं है।